आप याद करिए, जब हमने जनधन योजना शुरू की थी तो कैसे इसका मजाक उड़ाया था, जब हमने आधार को कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की थी तो कैसे उसकी राह में रोड़े अटकाए थे, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। आज यही जनधन अकाउंट, यही आधार नंबर आपके मोबाइल ने एक ऐसी त्रिशक्ति का निर्माण किया है कि इनके लिए भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। अब यह सुनिश्चित हुआ है कि केंद्र सरकार अगर दिल्ली से एक रुपया भेजती है तो 100 के 100 पैसे पूरे गरीब के खाते में सीधे जाते हैं। बीच में कोई बिचौलिया किसी का हक नहीं मार सकता। साथियों, पहले की सरकारों ने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें हमारे देश में करीब करीब 8 करोड़ लोग ऐसे थे जो सिर्फ कागजों पर थे, पैदा ही नहीं हुए थे। पैदा नहीं होते थे उनकी शादी हो जाती थी, पैदा नहीं होते थे वो विधवा हो जाते थे, पैदा नहीं होते थे वो बूढ़े हो जाते थे, पैदा नहीं होते थे वो अपंग हो जाते थे, दिव्यांग बन जाते थे, पैदा नहीं होते थे वो स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप लेने लगते। सारा गो, सारा पैदा ही नहीं हुए ऐसे लोग कागज पे 8 करोड़ लोग ऐसे थे, बताओ 8। और अभी भी होंगे, मेरी खुदाई काम चल रहा है, ढूंढ रहा हूं मैं। फर्जी नाम से गैस कनेक्शन लेना, फर्जी नाम से राशन कार्ड बनाना, फर्जी नाम से कॉफी स्कॉलरशिप निकालना, फर्जी नाम से पेंशन निकालना, फर्जी नाम से मनरेगा का पैसा मांग लेना, लेकिन ये 8 करोड़ कागजी लोग गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंचने दे रहे थे। अब हम व्यवस्था में जो पारदर्शिता लाए हैं उससे लीकेज तो रुकी है, गरीबों तक सीधे पैसे तो जा ही रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे, ये नकली नाम जो थे उस नाम पर हर वर्ष 1,10,000 करोड़ रुपया ये बिचौलियों के हाथ में चला जाता था, वो बंद हो गया। अब मुझे बताइए, जिनको 1,10,000 करोड़ रुपया जिन जिन लोगों के पास पहुंचता होगा, अब बंद हो गया तो क्या वो मोदी जिंदाबाद बोलेंगे क्या, मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? अब मुझे उनकी गालियों से डरना चाहिए क्या, जरा भी डरना चाहिए क्या? आप है ना, अब मैं क्यों डरूं? अरे 125 करोड़ देश के आशीर्वाद जिसके परसर पे होता है वो कभी डरता नहीं है, ना हिंदुस्तान से डरता है, ना वो पाकिस्तान से डरता है, ना किसी चोरों से डरता है, ना कभी बेईमानों से डरता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान ने ये ताकत मुझे दी है, 125 करोड़ देशवासियों ने ताकत दी है। ये जो दुनिया दमखम देख रही है ना, वो दमखम किसका है? आज दुनिया जो दम देख रही है किसका है, किसका है, किसका है? ये दम मोदी का नहीं है, ये दम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। साथियों, जब महामिलावट और स्वार्थ की राजनीति ही प्राथमिकता होती है तो देश को ऐसी ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। सिर्फ अपने परिवार की, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेताओं को नया भारत, भारत की नई रीति, नई नीति पसंद नहीं आ रही है। अपने स्वार्थों की सिद्धि हो सके इसके लिए वो देश में
मजबूत सरकार से डरते हैं और इसलिए मजबूर सरकार ढूंढ रहे हैं, कैसे भी करके दिल्ली में मजबूर सरकार आ जाए। आज कर्नाटक में मजबूर सरकार बनी है, क्या हाल है आप देखते हैं। एक इधर खींचता है, एक उधर खींचता है, वो कहता है मुझे इतना दो, दूसरा कहता है उसको दो दिया मुझे चार दो, तो शाम को तीसरा जाता है उसको चार दिया मुझे आठ दो, वो कहता है ले लो कर्नाटक की जनता को लूटो जितना है बांटो। ये चलने देना है क्या? ये कर्नाटक का हाल बुरा हुआ, क्या देश का भी बुरा होने देना है क्या? देश को बचाना है कि नहीं बचाना है? देश को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? देश को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है? आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है? आपकी माता बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देश आन बान से आन आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने आया, छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कही गई कर्नाटक का। ज्यादा बड़ी गलती नहीं, छोटी हो गई। कर्नाटक का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कभी कभी छोटी गलती बहुत महंगी पड़ जाती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 30 साल के बाद दिल्ली में देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है, और पूर्ण बहुमत वाली सरकार कैसी पूर्णता के साथ आगे बढ़ती है वो आप हर दिन देख रहे हैं। अगर आधी अधूरी होती तो वो भी आधी अधूरी करके आ जाती, ये पूर्ण है तो सारा काम पूर्ण करके आ जाती है।